कुछ बातों ने, मुलाकातों ने और कुछ अनकहे जज्बातों ने इन रिश्तों को अंजाम दिया, कुछ लम्हों की सौगातों ने। लम्हे विद मंत्रा, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। मैडम आप भी करिए। अरे थोड़ी जुकाम लगी हुई है। अरे करिए करिए, नेक्स्ट वाला कुछ कराओ। अब अगले वाले आसन के लिए आपको चेयर से उठना पड़ेगा। सुनो बेटा, कल आकर पेमेंट ले जाना, तुमसे ना हो पाएगा। अरे लेकिन जाओ बेटा, बोला तुमसे ना हो पाएगा, पेमेंट ले जाओ आकर अपना। खूसट बुट्टी, खुद से तो हो नहीं पा रहे, मुझसे बोल रही है। ये है हमारी कहानी की मेन लीड आर्टिस्ट शर्मा आंटी। नहीं नहीं, हमेशा से आंटी नहीं थी, शादी के बाद से लोग इन्हें इसी नाम से जानने लगे। अब इसकी कोई खास इंटरेस्टिंग वजह तो नहीं है, बस हुआ यूं कि शर्मा जी का जब पहली बार ट्रांसफर मुंबई में हुआ तो उनका हेयरलेस सर देखकर ओशीवारा की उस सोसाइटी ने उन्हें शर्मा अंकल कहना ही सही समझा और बाय डिफॉल्ट भरी जवानी में उनकी पत्नी आंटी हो गई। वैसे तो शर्मा आंटी शुद्ध शाकाहारी सात्विक संस्कारी महिला हैं, लेकिन संस्कारों की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर कोई चिकन बिरयानी भी ये कहकर सर्व कर दे कि ये हर्बल आयुर्वेदिक है तो शायद जोश जोश में शर्मा आंटी वो भी खा ले। और ये जो योगा इंस्ट्रक्टर अभी अभी गया, ये शायद 11वां या 12वां इंस्ट्रक्टर था आंटी का। और उसकी वजह कभी ये नहीं होती कि इंस्ट्रक्टर ठीक नहीं, इसकी वजह होती आंटी की हैंडसम मर्दों से चिढ़। और लेडी इंस्ट्रक्टर इसीलिए नहीं रखी जाती कि शादीशुदा ब्रह्मचारी अंकल की नीयत ना डोल जाए। अरे रे रे रे, इतनी देर हो गई, अंकल से तो आपको इंट्रोड्यूस कराया नहीं। अंकल तो सबसे मजेदार कैरेक्टर हैं इस दो लोगों की फैमिली के। अच्छा थोड़ा रुकिए, ये गाना सुन लीजिए, फिर मिलाते हैं आपको शर्मा अंकल से और बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी दिलचस्प आदत है शर्मा अंकल की जिसकी वजह से ये कहानी क्रिएट हुई। हाँ तो भैया, आप मुंबई ओशीवारा की शर्मा आंटी से तो मिल ही चुके हैं, जिन्हें योगा हर्बल आयुर्वेद से इतना प्यार है कि अगर हर्बल या ऑर्गेनिक बताकर कोई चिकन भी दे दे तो शर्मा आंटी शाकाहारी होते हुए भी उसे खा जाए। शर्मा अंकल अब 50 के लपेटे में आ चुके थे, लेकिन अगर सर पर दोबारा बाल लगा दिए जाएं तो 40 से ज्यादा के ना दिखे। अच्छी डाइट लेते हैं, सुबह एक घंटा जॉगिंग करते हैं और सारा दिन आंटी के ताने झेलते हैं, मतलब फैट गेन होने के कोई चांसेस ही नहीं। अंकल की ये फिट बॉडी ही अंकल की सबसे बड़ी दुश्मन है। पूरे सोसाइटी में अकेले शर्मा जी के घर ही कुक, मेड, डोमेस्टिक हेल्प जो भी कहिए वो सिर्फ मेल होते, मतलब कि मर्द, फीमेल घर में कोई है ही नहीं। हाँ शर्मा आंटी थोड़ी बहुत फीमेल सी लगती जरूर है। ये लीजिए, डोरबेल बजी। अरे आप बैठिए, दरवाजा शर्मा अंकल ही खोलेंगे, ये काम उन्हीं का है। हैंडसम लड़का, 6 फीट हाइट, जीन्स टी शर्ट ब्लैक शेड्स लगाए और उसके पीछे 45 डिग्री के एंगल पर उससे भी खूबसूरत लंबा टॉप और प्लाजो पहनी एक सुंदरी। आखिर कौन आए थे शर्मा जी के घर? शर्मा जी ने गले लग के स्वागत किया। अरे शशांक भाई कैसे हो? आओ आओ अंदर आओ। लेकिन ये लिविंग रूम से आ रही आवाजें सुन हर्बल फेस पैक चेहरे पर मलता आंटी का हाथ नाक के बगल में रुक गया और उनके करमचंदी जासूसी कान पहले से और चौड़े हो गए। अरे भाई शशांक, का मुंबई में तो प्रॉपर्टी डीलर्स का यही है बड़ा मुश्किल। शर्मा जी हर जगह यही हाल है, सब परेशान। अरे दिल्ली में तो इससे भी बुरा हाल है सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अरे तुम दोनों लगेज तो रख दो। हाँ लगेज, ये शब्द सुनते ही आंटी से रुका ना गया और जैसे उछल कर लिविंग रूम में अवतरित हो गई। आधे चेहरे पर लगा फेस पैक नए आए मेहमानों को डराने के लिए काफी था। अरे 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 अरे, इनसे मिलो शशांक, ये हमारी धर्मपत्नी या क्या कहते हो तुम लोग, बेटर हाफ। फेस पैक धो लेगी तो बाकी का हाफ भी बेटर ही निकलेगा। सेंटेंस खत्म करके अंकल खुद ही बड़े जोर जोर से हंसे, क्योंकि उन्हें सालों से ये बात पता थी कि उनके जोक्स पर उन्हें अकेले ही हंसना है। शशांक ने सोफे से उठ फौरन नमस्ते किया और लड़की ने तो उठकर पैर ही छू लिया आंटी के। आंटी चौंक कर पीछे हटी, लेकिन इससे ज्यादा तो आंटी अब चौंकने वाली थी, क्योंकि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सारा सामान लेकर ये दोनों क्यों आए हैं। और उन्हें अंकल पर गुस्सा भी आ रहा था कि इन्हें देखो इतनी देर से दांत दिखा दिखा के हंस रहे, पर बात नहीं बताई। तो क्या राज था इतने सामान के पीछे? कौन है ये दोनों? जानते हैं बस थोड़ी ही देर में, जब तक आप भी जरूरी काम निपटा आइए और मैं भी आंटी का फेस पैक धुलवा कर आता हूँ। शर्मा आंटी के मुख्य काम हर्बल चीजों का इस्तेमाल करना, योगा सीखना और अंकल पर शक करना, और शर्मा अंकल का काम इन सबसे बचते हुए निकलना।
आज अचानक इनके घर दो बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल मेहमान आ गए, शशांक और गीतिका। कौन है ये और क्यों आ गए मुझे भी नहीं पता, आइए खुद अंकल से ही जानते हैं। आंटी भी ये जानने के लिए बेताब हैं। सुनो। हाँ बोलो। तुमने बताया नहीं ये कौन है? अरे ये शशांक है और उसकी पत्नी गीतिका। मैंने बताया था ना जब मैं देहरादून में पोस्टेड था तो एक नया लड़का आया था। हैं? आंटी ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कुछ नहीं बताया था तुमने। अरे भाई वही जो बांसुरी अच्छी बजाकर सुनाता था मुझे, मेरा फोन स्विच ऑफ होने पर जिसके फोन पर तुम कॉल किया करती। अरे शशांक। हाँ वही है। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, कैसे हो, मुंबई कैसे आए, अरे कब आए, ठहरे किधर हो, कब जाओगे बताओ भरा। अरे अंकल ने आंटी के सवालों के सामने जल्दी से एक स्पीड ब्रेकर बनाया और कहा वही तो मैं बता रहा हूँ, शशांक का मुंबई ट्रांसफर हुआ, जुहू में इन्होंने किसी फ्लैट का एडवांस वगैरह सब दे दिया किसी डीलर को, बड़ा तुम तो जानती हो यार, जी मुंबई पहुंचे तो डीलर ने दो चार दिन का टाइम और मांग लिया पोजीशन के लिए, अब बताओ बेचारे क्या करते। आंटी के चेहरे पर एक पल के लिए दिल्ली के ऑड इवन ट्रैफिक जैसे कुछ भाव आए जिन्हें अंकल ने फौरन भांप लिया। अरे मैं इनसे कह रहा था कि दो चार दिन की तो बात है, यहीं रुक जाओ, अब इतना लगेज लेकर होटल में कहाँ रुकोगे, और मुंबई के होटल भाई जितना यहाँ एक दिन का टैरिफ है इतने में तो हमारा हनीमून निपट गया था। अंकल दोबारा अपने जोक पर हंस दिए पर सही जगह चोट करना जानते थे। गुस्से वाली आंटी पर अब शर्म का हल्का सा झोंका आ गया था। और क्या है, यहीं रुको, तुम्हारा घर है, बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ। तो साहब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अब इन दो बूढ़े बगुलों के जोड़ों के बीच आ चुका था सुंदर सा तोता मैना का जोड़ा। अब चारों एक ही घोंसले में रह रहे हों तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और हुआ किसे? सबसे पहले शर्मा जी को हुआ। क्या हुआ? अरे भाई बताया तो, गीतिका बला की खूबसूरत और मॉडर्न गर्ल। हाँ सही गेस किया आपने, लेकिन मैं बताऊंगा वापस आके कि हुआ क्या शर्मा जी को। ओशीवारा के इस फ्लैट में आंटी तो दिख नहीं रही, लेकिन शर्मा अंकल ये गीतिका को क्या दिखा रहे हैं? यहाँ से आगे जाके गार्डन है। हाँ, अरे वो देखो वो उस बिल्डिंग से शुरू हो जाता है गोरेगांव और अच्छा। हमारे पीछे की तरफ जूहू है जहाँ पर तुम रहोगी, मतलब तुम और शशांक दोनों रहोगे, नॉट फार फ्रॉम हेयर, बहुत पास, 18 रुपए का ऑटो और तुम यहाँ मेरे घर, तुम दोनों मेरे घर। अंकल ने फौरन भूल में सुधार की। अब अंकल की मजबूरी हम आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अंकल नौकरी छोड़ चुके हैं, एज ए कंसल्टेंट कभी कभी ऑफिस जाना होता है, घर में लड़के बच्चे होते तो दिल भी लगता, एक बीवी है और वो भी हर्बल प्रोडक्ट्स की कोई आउटलेट बनी घूमती फिरती है, सोसाइटी की लड़कियां तो लड़कियां, औरतें भी उन्हें अंकल कहकर बुलाती हैं। अब आप ही बताइए इतनी नीरज जिंदगी में कैसा लगा जब एक खूबसूरत लड़की ने उन्हें अंकल के बजाय सर कहकर पुकारा होगा। सर थैंक यू सो मच, मैं और शशांक हमेशा आपके लिए बहुत थैंकफुल रहेंगे। अरे इसमें कोई बात नहीं गीतिका, वैसे तुम भी जॉब करोगी यहाँ? जी सर सोच तो रही हूँ, लेकिन इतना आसान कहाँ होता है मुंबई जैसे शहर में जॉब मिलना, और वैसे भी न्यूली मैरिड फीमेल को लोग जॉब देते भी तो कम है ना, डरते हैं। गीतिका ने अफसोस तो सिस्टम पर किया था, लेकिन अंकल का उछलता हुआ दिल ये मान बैठा कि उसने मैरिज पर अफसोस किया है। उनके मुंह से निकला, हाँ हाँ बिल्कुल गीतिका बेटी, मेरा मतलब गीतिका। अचानक अंकल को लगा ये क्या निकल गया उनके मुंह से, मेरा मतलब है कि शादी तो फिर भी करनी पड़ती है, बट डोंट वरी, अब कर ही लिए तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मेरा मतलब हम हैं ना, मैं अपने ऑफिस में बात करूंगा, 1 month, only 1 month, just after 30 days you will get an offer letter, it's my promise. Thank you so much sir, you're so cool. गीतिका खुश हुई और अंकल को उठकर हग कर लिया। अंकल के होश उड़ गए और उनके बुढ़ापे ने उसी खिड़की से नीचे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। और इतने में ही आंटी चाय की ट्रे लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई। अंकल झट से उठे और गीतिका की चेयर के नीचे पड़ा अखबार उठाने लगे। बेचारी भोली भाली हर्बल आंटी बेचारी हग वाली बात को भांप ही ना पाई। इधर कुछ आंटी और शशांक के बीच भी चल रहा था, लेकिन इसका ठीक उल्टा। सुबह सुबह आंटी खिड़की पर रखे सूखी तुलसी के पौधे को पानी देने उठी तो देखा सिर्फ एक बॉक्सर पहने 6 फुट का लड़का डिप्स मार रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। आंटी ने बिना कुछ बोले पानी डाला, सूर्य भगवान को नमस्कार किया और तिरछी निगाहों से मन ही मन अपने पति के थुलथुले शरीर से इस फिट बॉडी का कंपैरिजन भी करने लगी और किचन में घुसते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी।
इतना भी कौन सा अंग्रेज की औलाद है, एक दिन टी शर्ट डालकर एक्सरसाइज करेगा तो क्या दो चार मसल्स कम हो जाएंगे? बेशरम कहेगा। इधर अंकल आंटी की जिंदगी में कोहराम मचा हुआ था, उधर कमबख्त प्रॉपर्टी डीलर ने एक हफ्ते का टाइम और मांग लिया। उस फ्लैट में अब बस दो चीजें चल रही थी, एक अंकल की अंगड़ाई लेती मोहब्बत और दूसरा आंटी की फुंकारती नफरत। देखते हैं जीत किसकी होती है। अरे शशांक ऑफिस से वापस आ गया, लौट कर आया, बड़ा सा कोई पैकेट है उसके हाथ में। ये तो आंटी को दे रहा है। मैम दिस इज फॉर यू। ये क्या है? आंटी ने पैकेट खोला, उसमें परफ्यूम था। परफ्यूम खोल उसे हाथ पर हल्का सा स्प्रे करके सूंघा और कहा, अरे बहुत अच्छा है, मेरे लिए लाया तू? शशांक मुस्कुराया, आंटी भी मुस्कुरा दी। हालांकि आंटी को यह लड़का रत्ती भर भी पसंद नहीं था, लेकिन एक बात तो थी, बिना सर के बाल वाले पति की वजह से उन्हें भी भरी जवानी में ही आंटी कहा जाने लगा था। और वैसे भी अभी आंटी की उम्र थी क्या 40, अच्छा चलो 45 है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ लेकिन यह भी कोई उम्र होती है भला? अरे इतने इतने की औरतें तो यहां मुंबई में मॉडलिंग के लिए स्ट्रगल करती मिल जाएंगी, और ये बेचारी आंटी बनी बैठी हुई है। वर्किंग वुमेन होती तो शायद ऑफिस में आंटी ना सुनना पड़ता, लेकिन यहाँ तो कभी इस एमए पास एजुकेटेड बीवी की कद्र भी नहीं हुई। लेकिन अब जब शशांक उन्हें आंटी के बजाय मैम कहता है, तो जाने क्यों आंटी को ऐसा लगता है कि वो किचन से नहीं बल्कि अपने एग्जीक्यूटिव केबिन से बाहर निकल रही है। आंटी चाहती कि बार बार शशांक उन्हें ऐसे ही पुकारे, लेकिन आंटी शशांक के सामने मुस्कुराना पसंद नहीं करती थी। आज रात बेडरूम में उन्होंने शर्मा अंकल को भी दर्द पूछा। सुनो इधर देखो, मैं देख रही हूँ आजकल तुम आजकल कुछ ज्यादा ही लिविंग रूम की खिड़की के पास बैठने लगे हो। शर्मा जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी पब्लिक दीवार को गीली करते हुए पुलिस ने दर्द बोझ लिया हो। जिस्म में ठंडे खून की एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन चुपचाप आंख बंद किए अनजान पड़े रहे। सुनो देखो कह देती हूँ, ज्यादा हंसा बोलो ना करो और ना उनसे बात किया करो। आखिर क्या कह रहा है उनका डीलर? नहीं तो वो मराठी डीलर है ना अपना, उससे बात करो, घर चलवा दो, अपना वाला थोड़ा शरीफ आदमी है। अंकल एकदम से उठकर कुछ ढूंढने लगे। अरे क्या कर रहे हो अभी रात को? मोबाइल ढूंढ रहा हूं। मोबाइल का क्या करना है? डीलर को फोन करता हूं ना, उसका नंबर ढूंढ। अरे सो जाओ इतनी रात को, ज्यादा लपू झना ना करो, सुबह मैं खुद बात कर लूंगी उससे। और हाँ कल से तुम बेडरूम में चाय पिया करो, लिविंग रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं। आंटी सो गई, अंकल बेचारे का ऐसा हाल था जैसे बिना एफआईआर गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिए गए हों और थानेदार उनके बगल में आकर सो गया हो। अगली सुबह खतरनाक थी, कई बम एक साथ फूटने वाले थे, और हमें यानी कहानीकार को भी इंतजार था ये जानने का कि आखिर हुआ क्या आगे। तो बस थोड़ी देर में बताता हूँ आपको शर्मा जी का घर का आंखों देखा हाल। हाँ तो भाई टाइम फॉर द क्लाइमैक्स ऑफ आज की कहानी। आज फिर सुबह सुबह जब आंटी अपनी सूखी तुलसी में पानी देने गई, तो शशांक फिर से सलमान खान वाले गेटअप में डिप्स मार रहा था। लेकिन आज आंटी को शशांक का टी शर्ट ना पहनना इतना बुरा नहीं लग रहा था, पता नहीं शायद आदत हो गई थी या फिर कल मिले परफ्यूम का असर था। शर्मा जी बेडरूम में मुंह पर तकिया रखे डरे हुए पड़े हुए थे। गीतिका अकेली खिड़की के पास बैठी थी। शर्मा जी को पता था कि गीतिका उनसे बात करना चाह रही होगी, लेकिन बीवी का डर आप तो समझते ही हैं। चाय बनाकर ड्राइंग रूम से आंटी ने आवाज लगाई, अरे सुनिए चाय यहीं पी लीजिए आकर। अंकल ऐसे उछलकर उठे जैसे स्प्रिंग वाला खिलौना बन गए हो। ड्राइंग रूम में आते ही पहली नजर खिड़की के पास बैठी गीतिका पर डाली, और फिर बीवी से नजर मिलाते ही चुपचाप बीवी के बगल में आकर बैठ गए। स्मार्ट शर्मा जी, अंकल ने आंटी की नजर में और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हुए बात शुरू की। अरे शशांक, अरे काम करो, हमारा एक लोकल प्रॉपर्टी डीलर है, उससे बात कर लेते, वो कोई अच्छा सा घर दिला देगा। शशांक ने भी पलट कर कहा, हाँ सर मैं आपसे यही बात कहने वाला था, एक फ्लैट बताया मेरे डीलर ने, कह रहा है पुराने वाले से एडवांस वो खुद वापस एडजस्ट कर लेगा, अगर आज बात फाइनल हो गई तो हम आज रात या कल सुबह ही शिफ्ट कर लेंगे। पता नहीं क्यों शर्मा जी और आंटी दोनों के चेहरे उतर गए। आंटी ने कुछ ऐसे शर्मा जी की तरफ देखा जैसे कह रही हूँ, रोक लो ना इनको थोड़े दिन और। बात भी सही थी, माना कि मियां बीवी की नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन एक जमाने के बाद उस उदास घोंसले से इतनी चहचहाने की आवाज आई थी। अचानक वो फ्लैट घर लगने लगा था। अंकल ने आंटी की आंखों की मायूसी और रिक्वेस्ट दोनों समझ ली।
हरे इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी कुछ दिन तो गुजारिए हमारे घर में। इस बार अंकल के जोक पर अकेले वो नहीं, सब हंसे। आंटी अंकल के बगल से उठकर शशांक के बगल में जा बैठी। वीकेंड वीकेंड आते रहना तुम लोग यहाँ, मुंबई बहुत सूना शहर है शशांक, यहाँ भीड़ तो बहुत है लेकिन ढूंढने निकलोगे तो लोग बहुत कम मिलते हैं। इतने में गीतिका मुस्कुराते हुए उठी और कहने लगी, अरे हम लोग दूर नहीं जा रहे, इस पागल ने आपको पूरी बात नहीं बताई, आपकी सोसाइटी में ही फ्लैट है वो दूसरा वाला, ये बगल वाले टावर में। कहते कहते उसने शर्मा अंकल के पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। शर्मा जी एक ठंडक के एहसास से नहा गए। आंटी सामने बैठी थी लेकिन जाने क्यों उन्हें आंटी से बहुत कम डर लग रहा था। अब शशांक और गीतिका अब शर्मा जी की सोसाइटी में ही रहते हैं। शर्मा आंटी और अंकल का रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। शर्मा अंकल ने गीतिका की जब से अपने ऑफिस में जॉब लगवाई है हफ्ते में 4 दिन ऑफिस जाने लगे हैं। आंटी अभी भी रोज सुबह उसी सूखी तुलसी को पानी देती हैं जिसमें अब कुछ हरे पत्ते दिखने शुरू हो गए हैं। आंटी ने नया स्लिम फिट योगा सूट लिया है और अब उनको एक परमानेंट योगा इंस्ट्रक्टर भी मिल गया है, शशांक। और इन्हीं की बिल्डिंग में किसी फ्लैट में रहते हैं हमारी आज की कहानी के राइटर हैदर रिजवी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर हमें बताएं, हमारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर जाएं, फेसबुक ट्विटर पर हमें टैग करें लम्हे विद मंत्रा, और सुनते रहें बिग एफएम।